subscribers to my channel The Academy 2020. Today we discuss about the arithmetic mean AM, जिसको क्या कहते हैं arithmetic mean and the properties of arithmetic progression. Now first thing is what is arithmetic mean? कहता है if A B C in AP, we know that B minus A common difference same होता है, तो 2B किसके इक्वल आ जाता है A प्लस सी, और B की क्या वैल्यू आ गई A प्लस सी ओवर 2. B इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C. अगर आपको अर्थमेटिक मीन पूछा गया है कोई दो नंबर्स का, तो आपने कैसे निकालना है, उन दोनों को प्लस करके किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. If वो कह रहे कैपिटल ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो कैपिटल ए की क्या वैल्यू आएगी ऊपर वाले रूल मुताबिक ए प्लस बी ओवर 2. मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 6, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 2 + 6/2, तो वो बेटा क्या आ जाएगा, 2 + 6 कितना होगा 8, 8/2 = 4. इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करने हैं आपको. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन. हाँ जी बेटा, आपकी ये 10D का 9th क्वेश्चन है, वो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 30. वन का मतलब एक अर्थमेटिक मीन निकालना, तो मतलब बेसिकली हमें अर्थमेटिक मीन ही निकालना है. तो अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला भी बोला था कि दो नंबर्स को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड. तो इस तरह के क्वेश्चन आए छोटे छोटे क्वेश्चन, तो क्या आएगा आपके पास 16/2 अर्थमेटिक मीन, जो उसके बीच में डाला वो क्या आ गया 8. तो मतलब इसका क्या है, 3 8 13 इज इन 8. अर्थमेटिक मीन मतलब जो उसके बीच वाला नंबर है, तो वो एक ही पूछा था, एक निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या है, 3 8 13 इन AP. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ AP. इन प्रॉपर्टीज से भी हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे. पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ A1 A2 जितनी मर्जी टर्म्स आ जाए AN इन AP, कहता अगर A1 A2 AN AP में हो, देन A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, अप टू सो ऑन AN प्लस माइनस के इन AP. कहता अगर A1 A2 AN AP में है, तो उसमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करें, तो सीक्वेंसेस रिमेन्स इन AP में ही रहेगी, उसकी फॉर्म वो चेंज नहीं होगी. उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करें या कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करें, इट इज़ री अगेन इन AP. इज दैट क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे, और कांस्टेंट सेम होना चाहिए, देखो जो ऐड भी करा है वो भी सेम नंबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी सेम नंबर है. अगर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अप टू सो ऑन AN हर एक टर्म के साथ, तो इट इज़ इन AP. मतलब कहने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी. क्वालिटी क्या थी, AP की क्वालिटी क्या है कि डिफरेंस ऑफ कंजेक्टिव टर्म इज रिमेन्स सेम, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. कहता है अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर उसमें कुछ ऐड, सब में सेम चीज़ ऐड करनी है, तब भी कॉमन डिफरेंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वालिटी चेंज नहीं होगी. अगर सेम चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर सेम चीज़ को डिवाइड कर देंगे तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस AP की AP में ही रहेगी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? उसमें से सेम चीज़ इफेक्ट मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन सेम, तो क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती. अब इसके साथ रिलेटेड
क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक में से। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखेंगे इस प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड कि अगर ए बी सी ए पी में है तो शो करो बी प्लस सी, सी ए प्लस ए, ए प्लस बी, बी किस में होगा, ए पी में होगा। ये हम दो वे से कर सकते हैं। दो वे कौन से हैं, एक तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी और एक ये बेसिक उसकी क्वालिटी से। पहले सॉल्यूशन मैं करा रही हूँ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अगर ए बी सी डेटा ए पी में है, हमें गिवन क्या है, ए बी सी किस में है, ए पी में है। अगर उसमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करे तो ए पी में ही रहेगा। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, ए की जगह क्या आया हुआ है, बी प्लस सी। बी की जगह क्या आया हुआ है, सी प्लस ए। सी की जगह क्या आया हुआ है, ए प्लस बी। मतलब ए की जगह बी प्लस सी था, उसमें ए नहीं था। तो हमने क्या करा, हमने एक दिमाग में स्कीम लगाई और हमने क्या कहा कि अगर उसमें के सब्ट्रैक्ट कर दे, सब में के क्या लिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी में भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और सी में से भी ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्वालिटी तो चेंज नहीं होती। अभी हमने कहा सेम चीज़ ही सब्ट्रैक्ट करिए ना सब में, तो क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस ए पी की ए पी में ही रहे। तो जब सब्ट्रैक्ट करा, देखो ब्रैकेट खोलो, ए चला गया, क्या बचा, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी से बी चला गया, सी प्लस ए, माइनस बाहर कॉमन निकाल दिया, माइनस ए प्लस बी किस में आया, ए बी में आया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी करी थी कि अगर अब माइनस को ख़त्म करना है, माइनस को ख़त्म करने के लिए सब में माइनस है, हम सबको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के इसमें ले लेते हैं माइनस वन। हमने प्रॉपर्टी करी थी कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दे तो उसकी क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई करा तो माइनस वन को सब में माइनस काट दिया, तो बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, एन ए पी, हैंस ट्रू। इज दैट क्लियर? ये हमने करा प्रॉपर्टीज में से, पहले कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर माइनस हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था तो माइनस वन से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीक्वेंस किस में आ गया, आपका ए पी में आ गया। तो यही चीज़ चाहिए थी, ये हमारे पास प्रूव हो गई, ये हमने करा विद प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो ईजी है वैसे तो। एक और वे भी है जिसको जो ईजी लगे वो अडोप्ट कर ले, दोनों मत करना, जो इजी लगे वो अडॉप्ट कर लेंगे। ए पी, ए पी का रूल क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। अगर ये चीज़ ए पी के है तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इफ बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी किस में है, इन ए पी में है, तो सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए के इक्वल होना चाहिए। अब ब्रैकेट खोलो, देखो क्या आ जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। तो ध्यान से देखो, ए से ए कट गया और इधर सी से सी कट गया, ए माइनस बी किसके इक्वल आया, बी माइनस सी। तो ए बी सी किस में है, ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में है तो बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, सी माइनस बी के। ये ठीक है, विच इज ट्रू, ये चीज बिल्कुल ठीक है, विच इज ट्रू, हैंस बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, एन ए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि ये ठीक है, ये चीज़ तो हमें गिवन थी ना कि ए बी सी ए पी में है, तो मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल है, तो विच इज़ ट्रू। अगर ये ठीक है तो मतलब ये भी ठीक है। तो जो हमने प्रूव करना था बेसिक फंडा वो हमने कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वन ओवर ए, वन ओवर बी, वन ओवर सी ए पी में है, तो प्रूव करना बी सी सी ए बी किस में होगा, ए पी में होगा।
अगर आपके पास 1 over a 1 over b 1 over c एपी में है तो इजी तो प्रॉपर्टीज ही होता है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें बी सी है, ए नहीं है, तो यहाँ नीचे 1 over a था, सी ए है, बी नहीं है, और प्रोडक्ट में है। तो सोचो क्या प्रोडक्ट करें कि ए ख़त्म हो जाए। अगर इसमें मैं ए बी सी से प्रोडक्ट करूँ तो ए ख़त्म हो जाएगा, अगर इसमें मैं ए बी सी से प्रोडक्ट करूँ तो बी ख़त्म हो जाएगा, सी से प्रोडक्ट करूँ तो सी ख़त्म हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए बी और सी से। तो अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें सारी टर्म्स को तो क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए पी टर्म्स ए पी में ही रहती, तो मतलब बी सी सी ए बी इसमें आ गया, ए पी में आ गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने अभी प्रॉपर्टी करी थी कि क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी से मल्टीप्लाई करके। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन क्या है। ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस बी एन इज एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो बताना है हमें एन क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन। तो वैसे हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में अभी करा है क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी बाई टू। तो हमें देखना ये है, इस तरह के क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में, एनटीएससी में, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें देखना क्या है कि एन को क्या लेंगे और ये टू बन जाएगा। हमें पता है समथिंग रेस्ट पर जीरो क्या होता है, वन। अगर ध्यान से देखो एन को जीरो ले लें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओवर ए की पावर जीरो वन वन, तो क्या आएगा, ए प्लस बी ओवर टू। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई आपके पास, जीरो। सिमिलरली ये भी सेम ही है। अब इसमें सोचना है कि नीचे टू कब होगा, नीचे टू कब होगा जब ये चीज़ ज़ीरो होगी। ये चीज़ ज़ीरो कब होगी, जब n माइनस टू ज़ीरो होगा और n की वैल्यू टू आ जाएगी। ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू टू लेते हैं तो टू माइनस वन ए बच जाएगा, ये बी बच जाएगा, तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, सिमिलरली एन टू। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, सेम ही रूल से खुद आपके लिए टास्क है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओ सब बच्चे कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगी। तो ये तो थे अर्थमेटिक के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एपी के आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हम करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता, इंटीमेशन उसी टाइम पता चल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।